बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, और आप बहुत इजीली अच्छी तरह से सभी टॉपिक इसमें क्लियर आपके हो जाएंगे। हॉर्स एंड कार्ट का मतलब आप समझते हैं, जैसे एक हॉर्स है और वह एक कार्ट को खींच रहा है, ठीक है, तो उस पर डिफरेंट फोर्स एक्ट करती हैं। यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा दिया और यहाँ पर हमने कार्ट, और ये हॉर्स इस कार्ट को खींच रहा है, तो कौन कौन सी डिफरेंट फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, और काफ़ी फोर्सेस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, तो समझते हैं इसे। सबसे पहले बात करते हैं वेट की। जो हॉर्स का वेट होगा और जो कार्ट का वेट होगा वह डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जो कार्ट का वेट है वो उसके फोर व्हील पर है और यह डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसको हम नेम दे लेते हैं W, कार्ट के लिए C, यानी कि वेट ऑफ कार्ट, ठीक, यह डाउनवर्ड। इसी तरह से हॉर्स का वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसे हम नेम दे लेते हैं WH, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ WH, यानी कि वेट ऑफ हॉर्स। जिसका वेट है वह फोर अलग अलग लेग्स पर है, तो हम इसका नेट वेट एक ही एरो से शो करेंगे। और इसके वेट को बैलेंस करने के लिए ग्राउंड के द्वारा अपवर्ड फोर्स लगाई जाती है, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को आप कैपिटल R या फिर कैपिटल N के साथ शो कर सकते हैं। ग्राउंड के द्वारा जो कार्ड पर नॉर्मल रिएक्शन है उसे हम N C से लिख देते हैं, और जो हॉर्स के ऊपर है उसे हम नॉर्मल रिएक्शन हॉर्स की N से लिख दिया। तो डाउनवर्ड फोर्स W से और अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N से, जो कि आपस में बैलेंस कर रही है कार्ड के भी और हॉर्स के भी। अब यहाँ कार्ट को खींचने के लिए हॉर्स के द्वारा एक रस्सी के द्वारा हॉर्स कार्ट को खींच रहा है, तो उस रस्सी में कुछ तनाव आएगा, तो उसमें क्या होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी। विद रिस्पेक्ट टू हॉर्स, यानी कि हॉर्स के कारण जो रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होती है उसे हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। इस डायरेक्शन में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, इसको लिखेंगे कैपिटल टी से। और कार्ट के द्वारा जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है रोप में, क्योंकि कार्ट भी उस रस्सी को खींचने में सपोर्ट कर रहा है, टी, और ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगी, बैलेंस्ड। तो यहाँ पर कौन कौन सी बैलेंस्ड फोर्स बताई हमने, कि जो यहाँ पर ग्राउंड ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए ये है, यहाँ पर है ग्राउंड, ठीक ठीक यहाँ पर, और वेट डाउनवर्ड है कार्ट का, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ग्राउंड के द्वारा लगाएगी फोर्स, ये दोनों आपस में बैलेंस है। इसी तरह से वेट ऑफ हॉर्स और उसकी नॉर्मल रिएक्शन आपस में बैलेंस कर रही है, और ये टेंशन भी जो रस्सी के बीच में है वो भी विद रिस्पेक्ट टू हॉर्स और विद रिस्पेक्ट टू कार्ट आपस में क्या हो रही है, बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं हॉर्स के जब फुट होंगे वो ग्राउंड पे कौन सी फोर्स लगा रहे होंगे। जब यह इस, मान लीजिए यहाँ पे रख देता हूँ मैं इसे, ग्राउंड पर फोर्स लगाएंगे तो वह एक एंगल में लगाते हैं। जैसे अगर कोई इंसान चलता है तो आपने नोटिस किया होगा, हम अपने पाँव को कुछ इस तरह से टर्न करते हैं एंगल में, तभी आगे बढ़ते हैं। कभी भी हम ऐसे अप एंड डाउन नहीं करते, ग्राउंड पर कभी भी हमारी अप एंड डाउन फोर्स नहीं होती। जब जंपिंग करते हैं तभी अप एंड डाउन फोर्स होती है, लेकिन नॉर्मली हम अपने पाँव को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते हैं एक एंगल के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, तो जब चला जाता है तो हम किस तरह से फोर्स लगाते हैं, तो हमारी कुछ इस तरह से ग्राउंड पर एक एंगल में फोर्स होती है। मान लीजिए हम फुट को ड्रॉ किया गया, मान लीजिए तो एक एंगल के साथ फोर्स अप्लाई होती है, तो कुछ इस तरह से एंगल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हॉर्स के द्वारा भी जब ग्राउंड पर फोर्स लगाई जा रही होगी तो वह एक एंगल के में होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कुछ इस तरह से, ये हमने फोर्स ड्रॉ कर दी जो कि एंगल के साथ हॉर्स के पैर के द्वारा यहाँ पर लगाई जा रही होगी। तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ रख देता हूँ, ठीक। मान लीजिए हॉर्स के पाँव यहाँ होंगे तो एंगल के साथ, क्योंकि हॉर्स, ये डायग्राम तो थोड़ा छोटा है, मॉडल बड़ा हॉर्स होगा इस कार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वह पैर से फोर्स लगाएगा, और जिस भी एंगल से वह फोर्स लगाएगा उसे हम मान लेते हैं थीटा। कहने का मतलब ग्राउंड पर थीटा एंगल के साथ, ग्राउंड पर थीटा एंगल के साथ फोर्स लग रही है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग
इसके भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ग्राउंड के द्वारा हॉर्स के पैर पर जो फोर्स लगाई जाएगी वह उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जिसे नॉर्मल रिएक्शन हम लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से। इसे हम आर का नेम दे लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन का कैपिटल आर से हमने इसे नेम दे लिया। अब हम इस नॉर्मल रिएक्शन के जो आर है इसके दो कॉम्पोनेंट निकालते हैं। एक कॉम्पोनेंट तो ठीक इसके टेंशन के ऑपोजिट होगा और एक अलोंग द इस नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग होगा। जो इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है वह थीटा एंगल के साथ है, ठीक है, और एक कॉम्पोनेंट इस रिएक्शन डायरेक्शन में है जिसे हमने कुछ इस तरह से ब्लैक एरो से शो किया है। जो तो थीटा एंगल की डायरेक्शन में होगा कॉम्पोनेंट, उसे कोस के साथ लिखा जाता है, तो इसे हमने आर कोस थीटा लिख दिया। और दूसरे कॉम्पोनेंट को फिर हम साइन के साथ लिखेंगे, आर साइन थीटा, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये कॉम्पोनेंट है आर कोस थीटा और ये कॉम्पोनेंट है आर साइन थीटा। अगर आर कोस थीटा में हॉर्स के द्वारा आगे की तरफ फोर्स लगाई जा रही है तो इसके व्हील में जो फोर्स होगी वह फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगी, जो कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। कहने का मतलब ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आर कोस थीटा के जो फोर्स होगी उसे फ्रिक्शनल फोर्स हम कहेंगे, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है जब कार्ट को आगे की तरफ पुल किया जाता है। तो अगर तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो कार्ट मूव नहीं होगा। कार्ट आगे की तरफ तभी मूव होगा अगर आर कोस थीटा की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगी, क्योंकि बाकी सभी फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में हैं और बैलेंस्ड है। तो हॉर्स ने कार्ट को मेन कहाँ मूव करने की कोशिश करा, आगे की तरफ। तो हॉर्स कार्ट को आगे की तरफ तभी मूव कर पाएगा अगर आर कोस थीटा, क्योंकि आगे की तरफ की फोर्स है, और एफ जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर आर कोस थीटा की वैल्यू, अगर जो आर कोस थीटा जो कि वेक्टर आर का कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स के, कहने का मतलब आर कोस थीटा इज़ ग्रेटर देन, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो कार्ट आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये था टॉपिक हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।